फाइनली दोस्तों मैं अपने घर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मी है, तो दोस्तों देख सकते हैं यही है मेरी माता जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंगर ममता चौहान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं मऊ ममता के घर, क्योंकि वहाँ से इनका प्रोग्राम है, तो वहाँ पे हम लोग को जाना है आज। और नाना जी हैं, तो नाना कौन दिक्कत दिक्कत कौन दिक्कत है वहाँ के दोस्तों क्या है ना कि नाना हमारे जब घर से हम लोग चले जाते हैं तो नाना हमारे अकेले पड़ जाते हैं, तो बार बार फोन करके हो जाते हैं। भाई कोई भी रहेगा पूरा घर अकेला, जब इतना बड़ा घर जब अकेला पड़ जाएगा तो कोई भी अकेले रहेगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं आज, विष्णु भैया और मालती भाभी आ जाएंगे। नाना से मिल लो, नाना का पैर छू लो, पैर छू लो। अब नहीं जब जाए शर्म कर रही हो नहीं, दोस्तों इधर ममता निकल रही है, नाना से आशीर्वाद ले रही है और वहाँ पे हमारा सामान है। चल रहे हैं, चले आए हाँ। सामान उठाओ, चलो आए हीरो बन के चलोगी, उठाओ तुरंत फटाफट। काओ काओ आए आए कुली छोड़ दे छोड़ दे, चला आजा। दोस्तों हम लोग आए स्टूडियो पे घर से और यहाँ पे देखिए डायलॉग लिया जा रहा है, थोड़ा गरीबी वाला डायलॉग है, खतरनाक। और खूनी भैया ममता दोनों लोग डायलॉग दे रहे हैं और हमारे सादे भैया रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और देखिए अब यहाँ से इसके बाद दोस्तों हम लोग निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग मऊ में पहुँच चुके हैं और रास्ते में दोस्तों बहुत ही बड़ी घटना होने से बच गए, मतलब कि हमारे भैया गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी लेके गिर गए, लेकिन मतलब इनको थोड़ी बहुत चोट लगी और हम लोग बच गए और हमारी गाड़ी भी सेफ है। और लाइट टूट गया है, वो तो लग जाएगा, बट भैया जी को ज़्यादा चोट नहीं लगी। और चोट कहाँ लगी है दोस्तों, बैक कैमरा करके दिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए इधर है और भैया का जींस फट गया है और हमारे भैया जी अब हम लोग से अलविदा हो रहे हैं, अलविदा हो रहे हैं। दवा ले लीजिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और अभी दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, बहुत ही मऊ में अच्छा जगह बना है, तो वहाँ पे चले घूमने और देखते हैं वहाँ का ओवरव्यू और लोकेशन कैसा है। चलो भैया बाय बाय। फाइनली दोस्तों हम लोग मऊ में आ चुके हैं। हेलो सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और बहुत बेकार भी, क्योंकि आज हमारी दोस्तों बाइक लड़ गई है, मतलब गिर गई है। हमारे खूनी भैया जो थे सिंगर खूनी लाल, उनको चोट लग गई है, तो उनको हम लोग छोड़े हैं, छोड़ के ऐसे घूम रहे थे। इसके बाद अभी यहाँ पीछे बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, यहाँ पे घूमने के बाद चलते हैं घर पे। चलिए अंदर चलते हैं, आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं, आइए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहुँच गए अंदर और देखिए कितना खतरनाक ओवरव्यू है, लिखा आई लव हमारा मऊ। और यहाँ पे सभी भाई हैं जो फोटो अपना खिंचवा रहे हैं, मतलब मस्तियाँ कर रहे हैं, और हम लोग भी आए, काफ़ी अच्छा लगा। और जिनको भी मऊ आना है आइए, बलिया मोड़ से आगे पड़ता है। तो अभी यहाँ से दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने घर। तो फाइनली दोस्तों मैं अपने घर आ चुकी हूँ, यहाँ पे मेरी मम्मी है, तो दोस्तों देख सकते हैं यही है मेरी माता जी। मम्मी कैसा लगा था इलिए था? अच्छा लगा था। तो कैसा लगत रहा? उदास लगत रहा। और दोस्तों इधर मेरी बड़ी दीदी है ना, हर मम्मी पापा अपने बच्चे का ख्याल करते हैं, कहीं भी बच्चे रहे, कितनों भी नलायक रहे, हर मम्मी पापा अपने बेटी बेटे को खोजते हैं। बाकी तुम तो बहुत लायक हो, तुम्हारी तो बात अलग है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी है और पीछे मेरी छोटी दीदी है, जो कि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है, लेकिन हम सोचते हैं कि कैमरे के सामने आए। आ जाए दीदी, तो दोस्तों हम बैक कैमरे से दिखाते हैं अपने दीदी को। तो यहाँ पे मेरी छोटी दीदी है और उसका बच्चा है। बाबू बोला, बाबू मौसी रे जिनकर लगा सूतत रहे। तो दोस्तों ये बड़ा हो चुका है जो कि मुझे नहीं पहचान रहा है, छोटा था तो मेरे ही पास सोता था। तो दोस्तों मम्मी के पास आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।